टॉप थ्री बेस्ट मोटोरोला स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के समय पर मोटोरोला की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई पावरफुल स्मार्टफोन ढूंढ रहे, साथ में आपको अच्छे और तगड़े कैमरा चाहिए, पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, लंबी चलने वाली बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और तो और 5G का सपोर्ट, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाले एक लेटेस्ट और काफी ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन की, और ये फोन है यहाँ पर मोटो का G34 5G। बात करें इस फोन की तो डिजाइन आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह वैसा ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर वेगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन 8mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स के साथ में आता है। और रही बात इन हैंड फीलिंग की, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले। रही बात फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंच की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे थोड़ी सी डिसेंट है। अगर यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी होती। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट टाइप के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो कलर को एनहांस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स और काफी सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप अपनी फोटो क्वालिटी को और एनहांस कर सकते हैं। रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 619 का GPU। और अच्छी बात यह कि स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। और इसी के साथ में आप यहाँ पर हाई लेवल की सेटिंग पर भी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों काफी अच्छा फोन है। अब बात करते हैं पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है और 20W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा, चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिलती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जिसके आउटपुट दोस्तों डेफिनेटली अच्छे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया, और आपको यहाँ पर एक साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, साथ ही IP52 रेटिंग के साथ में आता है, तो हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन VoNR के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि आप यहाँ पर 5G पर वॉइस कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रेशन का भी सपोर्ट दिया गया है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपए, वहीं पर स्मार्टफोन के 8 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,999 रुपए। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्मार्टफोन के हायर वेरिएंट के साथ में जाएं, जो कि फ्यूचर के लिए आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट में अगले फोन की तरफ, और अगला स्मार्टफोन रखा हुआ यहाँ पर मोटो का 54 5G। बात करें इस फोन की गाइस, तो हमें लगभग इस प्राइस पॉइंट के अंदर सभी स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिल जाते हैं, और ये स्मार्टफोन भी प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ है, लेकिन इस फोन के अंदर PMMA का मटेरियल यूज किया गया है, जो कि आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलता है प्लास्टिक से। सो ओवरऑल जो फोन की बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। साथ ही दोस्तों, ये स्मार्टफोन 9mm की थिकनेस और 192 ग्राम्स के साथ में आता है, तो थोड़ा सा खाया पिया हुआ जरूर है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंच की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल,
साथ ही आपको यहाँ पर 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होने वाली है। HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है और गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग ग्रेड भी मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको अच्छी मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको दो ही कैमरास मिलेंगे, लेकिन दोनों ही कमाल के हैं। पहला आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही आपको यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा, जिससे दोस्तों आप यहाँ पर बूके मोड वगैरह भी ले सकेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। रही बात वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। हालांकि वीडियो के मामले में थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर करेगा, लेकिन दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टिल इमेजेस आपको यहां पर अबो एवरेज देखने को मिल जाती हैं, यानी कि आप इसे डिसेंट कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहां पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको एक ब्रांड न्यू 7020 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। अंततः की बात करें तो लगभग 470,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, सो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी निकाल कर देगा। साथ ही साथ आप यहां पर गेमिंग वगैरह भी काफी अच्छी कर सकेंगे। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है, सो ये भी अच्छी बात है। सो ओवरऑल अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस वाला फोन ढूंढ रहे थे, तो भी आप स्मार्टफोन की तरह देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा मिलेगा, साथ ही 33W चार्जिंग का सपोर्ट चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। तो चलिए कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर जहां पर डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट दिया गया, और यकीन मानिए दोस्तों ऑडियो क्वालिटी सच में बहुत कमाल की है। और हाँ दोस्तों, यहां पर आपको हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी कि आप एक साथ में एक 5G सिम और मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात यहां पर यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर लॉन्च किया गया है, और अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर कोई भी ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते। साथ ही आपको एक साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे, और वैसे मोटोरोला का फोन है तो थिंकशील्ड की सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लगभग 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो काफी फ्यूचरिस्टिक भी है। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 15,999 रुपए। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर एक और काफी कमाल का ऑप्शन है, और वो यहाँ पर मोटोरोला का G84 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, वैसे इसको लेदर पर भी आता है। सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी फोन की वो काफी अच्छी है, साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है। और ये फोन 7.6 मिलीमीटर की थिकनेस और 166 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम फोन है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी धमाकेदार है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली 10 bit की प्लास्टिक OLED पैनल, जहां पर आपको 1 billion कलर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहां पर NEG ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 1300 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी भी कमाल की रहने वाली है। साथ ही साथ आपको यहां पर वाइड वाइन L1 HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहां पर टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भाई ऑसम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे, मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी लगा हुआ है। फ्रंट की बात करें तो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। और वही बात कैमरा परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो डे लाइट और लो लाइट में ये स्मार्टफोन थोड़ा सा डिसेंट ही परफॉर्म करता है, हालांकि लो लाइट में आपको यहाँ पर थोड़ी बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बैक कैमरा से 60 FPS और फ्रंट से आपको यहाँ पर 30 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको थोड़ा सा पुराना चिपसेट देखने को मिलेगा, 6nm बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का। वैसे फोन 4.5 लाख के आसपास अंततः पर स्कोर कर जाता है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एडर्नो 619 का GPU भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी गेमिंग भी करा देता है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी, 33W चार्जिंग का सपोर्ट और चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, और देखा जाए तो नॉर्मली आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी बहुत आराम से निकाल कर देता है। हाँ तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मिल जाता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफी तेज और काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक भी दिया गया, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट भी दिया गया, और भाई यकीन मानिए स्पीकर क्वालिटी बहुत ही कमाल की है।
साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और इन सभी के अलावा ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर आता है, जहाँ पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि एक साल का आपको यहाँ पर मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो काफी फ्यूचरिस्टिक भी है। तो अगर आप चाहें तो इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर एक अच्छे डिस्प्ले, अच्छा डिजाइन, अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस और साथ ही साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की दोस्तों, तो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 17,999 रुपए। बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन इजीली आपको 16 से 17 हजार रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। वैसे हमने सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप एक बार जरूर से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।